हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज पूरे एक महीने के बाद मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए कुछ हॉरर स्टोरीज़। जो सबसे पहली कहानी है ये मुझे मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने ही सुनाई है। और ये कहानी है लखनऊ की। लखनऊ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ के कुछ प्लेसेस आज भी हॉन्टेड हैं और उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो ये कहानी है सन 1975 की। जो हमारे रिलेटिव हैं जिन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई है वो कहते हैं कि मेरी नई नई नौकरी लगी थी 1975 में लखनऊ में, और मैंने एक घर लिया किराए पर हजरतगंज इलाके में। क्योंकि मैं इतिहास का छात्र भी रहा हूँ तो मुझे लखनऊ के ऐतिहासिक स्थलों की भी बहुत अच्छे से जानकारी थी और मैं बहुत क्यूरियस था शहर को देखने के लिए। मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं लखनऊ को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करूं। तो मैंने ये डिसाइड किया मैं एक दिन में ना एक ही जगह जाया करूंगा, यानी कि हर संडे को मैं एक प्लेस घूमूंगा। तो सबसे पहले मैंने तय किया कि मैं इमामबाड़ा देखूंगा, जिसको कि भूल भुलैया भी कहते हैं। तो इतवार का दिन था, मैंने सोचा कि आज मैं इमामबाड़ा देखने के लिए निकलता हूँ। मैंने सुबह नाश्ता किया, अच्छा हैवी नाश्ता किया, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं शाम तक घूमता ही रहूँ। तो तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम रहा होगा, मैं निकल गया हजरतगंज से इमामबाड़ा की तरफ। हजरतगंज से इमामबाड़ा जो है वो मेरे ख्याल से 4.2 किलोमीटर्स के करीब ही है। तो उन्होंने सोचा कि मैं रिक्शा लेकर के वहाँ चला जाता हूँ और रात को घूमते हुए फिर घर वापस आऊँगा। तो ये इमामबाड़ा के लिए निकल गए। तकरीबन 2:30 बजे के करीब ये पहुँचे होंगे वहाँ पर। तो कह रहे हैं मैं देखता हूँ कि जैसा मैंने सुना था इमामबाड़ा के विषय में कि वहाँ पर बिना गाइड के कोई अंदर जाए तो बाहर नहीं निकल सकता। तो मैंने सोचा कि गाइड लेकर तो सभी घूमते हैं, मैं तो बिना गाइड के ही जाऊँगा अंदर। और कुछ लोग मैंने देखा बाहर की तरफ, वो गाइड उन्होंने हायर किए थे, तो मैंने सोचा इन्हीं के ग्रुप के साथ मैं बाहर निकल आऊँगा, इनके साथ ही साथ रहूँगा मैं। तो इमामबाड़ा में कह रहे हैं मैं जैसे ही अंदर जाता हूँ मैं, तो पहली जो गैलरी आती है वो तकरीबन बहुत लंबी गैलरी है, यानी कि 330 फीट के करीब लंबी सुरंग जैसी है और उसमें काफ़ी सारी खिड़कियाँ हैं, जिन खिड़कियों को इसलिए बनाया गया था कि उन खिड़कियों के सारे दुश्मन को आराम से देखा जा सके। और कहते हैं कि हर खिड़की से जो है मेन गेट नज़र आ जाता है, लेकिन जब खिड़की से ऊपर की तरफ देखते हैं तो कुछ नहीं दिखता है। तो मैं जब अंदर एंटर किया उसमें तो मैं एक तरह से हिप्नोटाइज हो गया, मतलब मैं खो गया इतिहास में। मैं मन में सोचने लगा कि देखो कितनी अद्भुत धरोहर है ये लखनऊ की, जिसको कि अवध के नवाब आशिफुद्दौला ने 1784 में बनाया और ये 94 तक बनता ही रहा, मतलब यानी कि 1784 से 94 के बीच में ये बना। और जो वास्तुकार था उसका नाम था किफ़ायतुल्ला, और उसी इमामबाड़े में उसकी बॉडी भी दफन है आज। तो कहते हैं कि इसमें 1000 से भी ज़्यादा गलियारे हैं और 489 के करीब इसमें प्रवेश द्वार हैं, और यही चीज़ जो है इसको भूल भुलैया बनाती है। इसकी दीवारें भी 15-15 फीट मोटी हैं, और अगर यहाँ से कोई आदमी आवाज़ लगाए ना तो 20 फुट दूर खड़े भी आदमी को आवाज़ सुनाई दे जाती है, ये इसकी खासियत है। तो कहते हैं कि मैं उसके अंदर घूमता चला जा रहा था और मैं इतना इतिहास में डूबा हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब उन ग्रुप्स जो चल रहे थे गाइड लेकर के, जो लोग चल रहे थे उनसे मैं बिछड़ गया। और ये फील भी नहीं होता कि आदमी इसमें बिछड़ गया, क्योंकि जो लोगों के फुट स्टेप्स की आवाज़ें होती है ना, वो ऐसे लगता है कि जैसे दीवारों पर भी कोई चल रहा हो। तो पता ही नहीं चला कि कितना टाइम गुजर गया, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी भी रहा हूँ तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, मतलब मैं थोड़ा कल्पनाओं की दुनिया में भी खो सा गया था।
कि कितनी अद्भुत धरोहर है ये 18 सेंचुरी की, मतलब एक बहुत कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर का एक एग्जांपल है ये। तो जब मैंने देखा कि मेरे साथ एक दो लड़के और भी हैं, तो मैंने पूछा तुम्हें पता है रास्ता? कहेंगे नहीं हमें भी नहीं पता। हमने कहा यार वो ग्रुप जा रहा था आगे एक गाइड को लेकर के, कह रहे हम भी बिछड़ गए उनसे। और हमने बड़े हाथ पांव मारे कि इधर से निकलते हैं उधर से निकलते हैं, लेकिन हम उलझते ही चले जा रहे थे। जब देखो कोई गलियारा आ जाता, फिर देखो कोई और गलियारा आ जाता, मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर हमें कुछ लोगों के आने की आवाज़ सुनाई देने लगी, तो पता चला कि ये लोग जो अथॉरिटीज़ के लोग हैं, मतलब जो इमामबाड़े को संरक्षण करते हैं, वो सरकारी ऑफिशियल्स टाइप वो कोई लोग थे। तो वो शाम को 5 बजे चक्कर काटते हैं कि अगर कोई भूल के रह गया हो अंदर तो उनको लेकर के बाहर निकलते हैं। तो उन्हीं लोगों के साथ हम 3-4 लड़के जो हम फंस गए थे अंदर, हम लोगों को उन्होंने बाहर निकाला उन्होंने। तो कहते हैं इतना अद्भुत था, मतलब इतना नशा था हमें उसका कि हम बाहर निकल के, मतलब हमें बिल्कुल रिग्रेट नहीं फील हो रहा था कि हम थक गए या हम लोग अंदर भूल गए। बाहर निकले तो बहुत एक्साइटेड थे हम लोग। तो हम 3-4 दोस्तों ने मिलके, खेरे वहीं जो लड़के मिले थे अंदर इमामबाड़ा में, बाहर आके हमें चाय पी। तो वो लोग फिर लड़के अपने अपने दिशाओं की तरफ चले गए, और मैंने सोचा मैं तो अभी थोड़ा टहलूँगा यहाँ मार्केट में, और मैं खाना वाना खा के ही जाऊँगा घर। रात का भी खाना खाऊँगा और इवनिंग में थोड़े स्नैक्स वगैरह ले लिए मैंने बाहर रेस्टोरेंट में जा कर के, और मैं घूमने लग गया। एक नए शहर का जो नशा था वो मेरे दिमाग में था। तो जैसे कि हज़रतगंज से इमामबाड़ा तकरीबन 4.2 किलोमीटर की दूरी पे, मैंने सोचा यार पैदल ही चले जाऊँगा, घर जाके भी क्या करना है, तो 15-20 मिनट में वॉक करके घर पहुँच ही जाऊँगा। तो मैं टहलता रहा। सर्दियों का सा टाइम था, तो 6 बजे के करीब अंधेरा होने लगता था। तो मैंने सोचा रात का खाना खा के ही जाऊँगा, घर पे जाके कौन पकाएगा। और ये मैं घूमते घूमते तकरीबन 7:30 के करीब मैंने खाना खाया एक रेस्टोरेंट में बैठ के, हल्का सा नाश्ता मतलब डिनर लिया मैंने, और मैंने पैदल ही हज़रतगंज की तरफ को मैं निकल पड़ा। तो कहते हैं मैं तकरीबन 1.5 किलोमीटर ही चला होऊंगा, तो मुझे ना बहुत थकान महसूस होने लगी। मैंने कहा यार चला नहीं जाएगा अब, तो कहीं किनारे पे बैठ जाता हूँ। तो रोड के किनारे ही कहीं पर कोई बेंच सी थी, थोड़ा खुली सी जगह थी, तो मैं वहाँ पे जाके बैठ गया। और अंधेरा काफ़ी घिर गया था और थोड़ी सर्दी सी भी हो रखी थी। तो मैं सोचने लगा मन में यार कोई रिक्शा या कोई तांगा कोई कुछ मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैं तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही है चलने की। काफ़ी देर तक मैं बैठा रहा, इधर उधर देखता रहा। थोड़ी देर में मुझे एक बुढ़ा सा आदमी आता हुआ अपनी तरफ नज़र आया, और वो मेरे बगल में आकर के बैठ गया। तो बड़ी देर तक बैठा रहा, वो बात कर नहीं रहा था मेरे से कुछ, तो मैंने चुप्पी तोड़ी थोड़ी सी। मैंने बोला कि बाबा जी आप किस साइड रहते हो? तो वो कुछ नहीं बोला मेरे को, इशारे से उंगली उसने ऐसे इशारा किया आगे की तरफ को कि मैं आगे रहता हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आया, पर मैंने कहा ओके। तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ रात को कोई रिक्शा विक्शा नहीं मिलती है क्या? वो फिर भी चुप था। मैंने सोचा बड़ा अजीब सा आदमी है। तो मैं ऐसे गुनगुनाने लग गया, ऐसे गाना सा गाने लग गया, मनी मन हूँ हूँ करते हुए। तब तक क्या हुआ कि मुझे तांगे की सी आवाज़ आई, तांगे की में जो घोड़े लगे रहते हैं उनके टापों की आवाज़ टक 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 सुनाई देने लगी। तो मैंने दूर ऐसे सामने की तरफ ऐसे मुड़ के देखा पीछे, तो मैं देखा अरे वो सामने से ना एक तांगा आ रहा है। तो मैंने दूर से उसको ऐसे हाथ हिला के सड़क के किनारे पे आके उसको रुकने का इशारा किया, और वो रुक गया। तो मैंने सोचा चलो यार इस बुढ़े आदमी को भी अपने साथ में ले लेता हूँ, ये भी बेचारा कहाँ जाएगा, इसको भी उठा लेता हूँ, इसने भी आगे ही जाना है, उंगली से इशारा तो आगे की तरफ का ही कर रहा था। तो जैसे ही मैंने अपने बगल में नज़र घुमाई तो देखा वो गायब, वो वहाँ था ही नहीं। मैंने कहा यार ये गया कहाँ, मैंने तो इसको आगे भी जाते नहीं देखा पीछे भी जाते नहीं देखा। फिर मुझे लगा कि चलो हो सकता है मैं जब तांगे की तरफ इशारा कर रहा होगा ये कहीं इधर उधर की तरफ को निकल गया होगा। मैंने इस बात पर खास ध्यान नहीं दिया। तो तांगा रुक चुका था मेरे सामने, तो वो बोलने लगा। मैंने उसको कहा तांगे वाले से कि अरे एक आदमी और भी था यहाँ पर मेरे साथ में, पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तो यहीं था। तो मेरे तरफ ना बड़ी अजीब सी सुन्न सी आंखें, मतलब अजीब सी आंखें थी उसकी,
मेरी तरफ ऐसे घूर के देखने लगा, पूछने लगा कहाँ जाना है। तो मैंने कह दिया हज़रतगंज। तो मैंने कहा कितने पैसे लगेंगे? तो कहता है कि 25 पैसे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मतलब 25 पैसे, मतलब रात का भी वक्त हो रहा है तो इसको थोड़े ज़्यादा ही पैसे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1 रुपया तो बोलेगा ही कम से कम, उस टाइम में मतलब 1 रुपया भी काफ़ी होता था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तांगे में बैठ गया और तांगे ने रफ्तार पकड़ ली और सरपट खाली सड़कों पर जो है तांगा दौड़ रहा था। बड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब ठंडा भी मौसम था और एकदम सुनसान रास्ता, बड़ा अच्छी फीलिंग हो रही थी। लेकिन तांगा चलता ही जा रहा था, काफ़ी लंबा लग रहा था मुझे रास्ता। मैं कह रहा था यार ये कितना लंबा रास्ता है, 4 किलोमीटर भी तय नहीं हो पा रहा, 1.5 तो मैं चल के आ ही चुका हूँ अभी, इतना लंबा रास्ता समझ नहीं आ रहा कुछ। मुझे लगा, मैंने कहा हो सकता है मुझे ही लग रहा होगा रात है, क्योंकि तभी मुझे सामने की तरफ ना बाज़ार सा एक नज़र आया रोड के किनारे। ऐसा लगा बाजार सा है, उजाला उजाला सा भी था, किनारे पे मूंगफली वाले, फल वाले, सब्जियों वाले और सबने ना पेट्रोमैक्स टाइप जला रखे हैं। उजाला सा है और मार्केट तकरीबन रहा होगा कोई 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं रहा होगा, दिख रहा था आगे अंधेरा दूर। तो मैं गुनगुना रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था बहुत। और तभी पता नहीं क्या हुआ कि मुझे ना अचानक से दिखाई दी मूँगफलियाँ सड़क के किनारे, एक बुड्ढा सा मूँगफली बेच रहा था। पता नहीं क्यों अचानक मेरा ना मूंगफली खाने को बहुत दिल कर गया। तो मैंने चारों तरफ नज़र घुमा के देखा कि और किस किस चीज़ की दुकानें हैं, तो मुझे कुछ अजीब सी चीज़ों की दुकानें भी नज़र आईं जिन्हें मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि बिक रहा है तो क्या चीज़ बिक रही है। खैर मैंने सोचा होगी कोई चीज़, शायद मुझे नहीं समझ में आ रहा है कुछ अजीबोगरीब सी चीज़ें क्या हैं ये। खैर मैंने तांगे वाले को इशारा किया, मैंने कहा भैया मुझे थोड़ा मूंगफली लेनी है। और मैं उसको कह भी रहा भैया मैं अकेला रहता हूँ घर पे ना, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, थोड़ी मूंगफली लेनी है, रोक लो। तांगे वाले ने तांगा रोक लिया, मैं सीधा नीचे उतरा, मूंगफली वाले के पास गया, भैया क्या भाव दे रहे हो? 1/2 किलो तोल दो। वो कहने लगा 25 पैसे हुए। मैंने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, उससे लिफाफा लिया और मैंने अपने थैले में डाल लिया। मैंने 25 पैसे निकाल के जैसे ही मैं उसको देने के लिए आगे हुआ और उसने हाथ बढ़ाया, तो वो हाथ बिल्कुल ऐसा था जैसे कि एक कंकाल होता है, स्केलेटन जैसे उसके फिंगर्स, उसकी वो कंकाल जैसी उंगलियों को देख करके मैंने सीधा 25 पैसे उसके मुंह की तरफ फेंके और मैं सीधा भाग के तांगे की तरफ चला आया। और मेरी इतनी देर में मेरे पूरे बदन में ऐसी गर्मी चढ़ गई और मैं बिल्कुल पसीने पसीने हो गया उतनी ठंड में। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा चलो तांगे वाला तो है पास में, मैंने बहुत हिम्मत करके मैं तांगे की तरफ भागा और तांगे में बैठ गया और मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। तांगे वाले ने तांगा एकदम से आगे बढ़ाया और थोड़ी देर में तांगे ने रफ्तार पकड़ ली। मैं आसपास के मार्केट की तरफ नज़र डाल रहा हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब सा मार्केट लगा, ऐसा लग रहा था कि इस मार्केट में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें भी बिक रही हैं। लेकिन मैंने इतना ज़्यादा मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा मैं नया हूँ, मुझे कुछ चीज़ें नहीं मालूम है शायद। तांगा तेज़ी से आगे भागे जा रहा था और मैं आसपास देखने पे लगा था शहर को कि कैसा है सब कुछ, कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी देर तक तांगा चलता रहा और मैं चुपचाप तांगे में बैठा रहा, एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था कि जो मुझे दिखा वो मेरा वहम था या सच में ही था या उसने कुछ हाथ में पहन रखा था, यही मेरी समझ नहीं आ रहा था। तो काफ़ी देर के बाद मैंने तांगे वाले से बात करनी चाहिए और मैंने उसको कहा कि भैया ये जो मार्केट से तुम अभी लेके आ रहे थे मुझे, वहाँ एक मूंगफली वाला जो था मैंने उसको 25 पैसे दिए तो जैसे उसने हाथ आगे बढ़ाए तो उसके कंकाल जैसे हाथ थे, ये मेरा वहम था या क्या था मैं समझ नहीं आ रहा मुझे, ये मेरी आँखों का धोखा था।
तो थोड़ी देर में तांगे वाले ने गर्दन पीछे घुमाई, बिल्कुल पीछे घुमा ली उसने अपनी गर्दन और मेरे को देख के अपने हाथ आगे किए उसने दोनों, और ऐसे कहने लगा कि ऐसे थे हाथ। उसने अपने दोनों हाथ मेरे मुंह के आगे ऐसे कर लिया, उसके दोनों हाथ भी बिल्कुल स्केलेटन। और जैसे ही मैंने उसके वो कंकाल के जैसे हाथ देखे, फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या मेरे साथ हुआ मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे ही मुझे सुबह होश आया तो मैं हज़रतगंज से कुछ पहले, कुछ दूरी पर पहले, मतलब सड़क के किनारे पड़ा हुआ था और मेरे आसपास चार पांच लोग जमा होकर कुछ बातें कर रहे थे। मुझे हिलाया उन्होंने और मुझे पूछा तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि मैं यहाँ कैसे पड़ा हूँ सड़क के किनारे। फिर मुझे रात की घटना याद आई, मैंने उन लोगों को सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे भाई तुम्हें ज़रूर, तुम भूतहा बाज़ार से निकले हो रात को, तुम्हें पता है यहाँ पर एक भूतहा बाज़ार है जहाँ 8 बजे के बाद कोई उस तरफ नहीं जाता, तुम लगता है नए हो यहाँ पर। ये सुन के मेरा तो जैसे खून जम गया। उन लोगों ने मुझसे मेरा पता पूछा और कहा चलो हम तुम्हें घर तक छोड़ देते हैं, और उनमें से दो आदमी आए मुझे घर तक छोड़ने के लिए। मैं घर गया, घर पहुंचा, थोड़ी देर तो मुझे समझने में ही लगा कि ये मेरा सपना था, ये सच था, क्या था, मतलब मैं बिल्कुल शॉक में था। फिर मैं उठा, मैं नहाया, उसके बाद मैं सामने हनुमान जी का मंदिर था वहाँ गया, मैंने पंडित जी को सारी बात बताई। वहाँ पुजारी जी ने मुझे झाड़ा लगाया और मुझे रक्षा कवच दिया और कहा बेटा तुम बहुत भाग्यशाली हो, पता नहीं कौन सी शक्ति ने तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हें लगातार 40 दिन तक इस मंदिर में आना पड़ेगा, झाड़ा लगवाना, प्रसाद लेके जाना और हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना है तुम्हें। कहते हैं आज भी ये घटना मेरे दिलो दिमाग पर ऐसी छाई हुई है, ऐसा लगता है कि जैसे अभी कुछ ही साल पहले की घटना होगी। आज तक मैं समझ नहीं पाया कि जिस तांगे में मैं इतनी देर तक बैठा हुआ था वो एक भूत चला रहा था, और जितने भी लोगों से मैं अब तक मिला वो सारे भूत प्रेत थे। तो इस तरह की अजीबोगरीब घटनाएं कभी कभी जीवन में हो जाती हैं और इन पे यकीन करना बहुत कठिन होता है, लेकिन जिनके साथ ये बीतती हैं वो इन पे विश्वास कर पाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। ये कहानी मुझे जिसने भेजी है उन्होंने नाम बताने से मना किया है, तो लिखती हैं कि मेरे घर में पोते का जन्म हुआ 4 साल पहले और मेरे घर में बधाई देने के लिए पहुँचे किन्नर। किन्नर समुदाय जिनको हम ट्रांसजेंडर भी कहते हैं, ये शुभ अवसरों पर घरों में आकर के बधाई देते हैं और कुछ बख्शीश धनराशि के रूप में मांगते हैं। तो ऐसे ही मेरे घर में पोते के जन्म होने पर किन्नर मेरे घर में आए बधाई देने के लिए और वो नाच गाने लगे। अफसोस की बात यह थी कि मैं उनको ज़्यादा कुछ दे नहीं सकती थी क्योंकि जितना पैसा वो मांग रहे थे उतना मेरे पास नहीं था। वो बोल रहे थे कि हमें 10,000 रुपये दो, आपका पहला पोता हुआ है। लेकिन उस समय मेरे घर में 4,000 रुपये ही थे और क्योंकि कोविड चल रहा था इसलिए मैं बैंक भी नहीं जा सकती थी, एटीएम तक भी नहीं जा सकती थी क्योंकि घर में छोटा बच्चा था। हम बहुत एहतियात बरत रहे थे, जो भी था वो ऑनलाइन मंगाते थे और पेटीएम कर देते थे। तो मैंने उससे वादा किया कि तुम अभी ये 4,000 रुपये लेके चले जाओ, कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें पूरे पैसे दूंगी, ये मेरा वादा है। वो कहने लगे जी कौन देता है फिर पैसे। लेकिन मैंने भी बहुत देर तक उनके साथ बहस की, अपनी मजबूरी मैं बताती रही, वो भी बैठे रहे बहुत देर तक। फिर वो 4,000 रुपये लेके चले गए। कुछ समय के बाद मैंने उनको कॉल किया क्योंकि वो मुझे फ़ोन नंबर देके गए थे
कि जब आपके पास पैसे होंगे और आपके मन में ईमानदारी है तो आप मुझे हमें कॉल कर लेना। मैं भी मन में सोचती थी कि इनका रोज़गार का भी यही ज़रिया है, तो मैंने एक दिन उन्हें फ़ोन करके उनके वापस बाकी पैसे ले जाने के लिए कहा। तो उनमें से एक किन्नर जो है वो पैसे लेने के लिए आ गया। पैसे लेने के बाद मैंने उसे थोड़ी चाय पानी नाश्ता करवाया और मैं ऐसे ही पूछ बैठी कि भैया आप पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की आपने, आप क्यों ऐसे जगह जगह पैसे मांगते हो, नाच गाना करते हो, मतलब आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा ना इस तरह से पैसे लेना किसी से, और आजकल तो सरकार आप लोगों को कानून में हक भी दे रही है, आप पढ़ लिख सकते हो, कुछ कर सकते हो। तो जब उसने अपनी कहानी मुझे सुनाई तो सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। किसी को बिना जाने हम कितनी आसानी से एक ओपिनियन बना लेते हैं, लेकिन अगर उसकी गहराई में हम लोग उतरते हैं किसी के जीवन की, तो समझ में आता है कि कितना कठिन होता है इन लोगों का जीवन। तो बहुत अजीब घटना है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मुझे कहने लगा कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ से आया हूँ, कैसे पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, कौन मेरे माँ बाप हैं। मुझे इतना पता है कि मुझे किन्नरों ने ही पाला, मुझे कहीं जंगल में फेंक दिया था मेरे माँ बाप ने। तो जब मेरे रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो पहाड़ों की ही बात है ये, तो कोई किन्नर वहाँ से गुजर रहे थे किसी के घर में बधाई देने के बाद, उन्होंने एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी और वो मुझे उठा करके घर ले आए। उन्होंने मुझे पाला पोसा और बड़ा किया, क्योंकि वो एक ख़ास संप्रदाय से बिलोंग करते थे, तो ये किन्नर का भी एक ख़ास समुदाय है जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहती हूँ। तो कहने लगे मेरे लिए वही सब कुछ है, मेरे लिए माँ बाप भी वही हैं सब कुछ। पढ़ाई लिखाई कहाँ करनी थी, बचपन से हमने यही सीखा, ताली बजाना, नाचना गाना, लोगों के घर में मांगना, बधाई देना। लेकिन मेरे मन में ये बहुत दुख था कि मेरे माँ बाप ने मुझे क्यों छोड़ दिया और मैं क्यों बन गया किन्नर। मैं अक्सर यही सोचता रहता था, रात दिन मेरे दिमाग में बस यही थी कि मैंने क्या पाप कर्म किए होंगे कि मैं किन्नर बना। तो कहते हैं कि एक बार मैं उत्तराखंड के किसी मंदिर में गया, भगवान महादेव का मंदिर था वो, और मैं बहुत रोया वहाँ पर। रोते रोते मैं घर वापस आ गया और मैं सो गया, और मुझे रात को जब नींद आई तो मुझे स्वप्न ऐसा हुआ कि कोई मुझसे कह रहा है कि जानना चाहते हो कि पिछले जन्म में तुमने क्या किया, तो जानो, खोज करो कि तुमने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया कि तुम किन्नर बने। बहुत भयावह सपना था और मैं बिल्कुल पसीने पसीने हो गया। जब मेरी नींद एकदम से टूटी, मैंने बहुत सारा पानी पिया और यही सोचता था कि कैसे अपने पिछले जन्म का पता करूं। धीरे धीरे मैं YouTube वीडियोस देखने लगा, तो मुझे पता चला कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन की कुछ क्लासेस होती हैं, यानी कि PRL। तो बहुत खोजबीन करने के बाद मुझे एक व्यक्ति से मेरी बातचीत हुई कि जो मुझे मेरा PRL सेशन लेंगे और मुझे पास्ट लाइफ में लेके जाएंगे। तो मैंने उनसे फ़ोन पे बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि पर्सनली मिलो आप मुझसे, क्योंकि हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन से पहले कुछ आप लोगों को गाइड करते हैं, यानी कि कैसे रिग्रेशन में उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, तो मुझसे आके मिलो। तो फिर मैंने अपने टोली के लोगों से, बाकी किन्नरों से बात की, तो वो भी तैयार हो गए। तो TV में भी उनका प्रोग्राम आता है, कह रहे हैं काफ़ी फेमस हैं वो जो रिग्रेशन थेरेपी देते हैं। तो उनके पास मेरे सारे 3-4 साथी वगैरह मिल करके हम उनके पास गए और सारी बातचीत की। तो आखिरकार मेरा वो दिन आ गया कि मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए ले जाना था, और मुझे उन्होंने बेड पे लिटा दिया और पूरा तरीका जो उनका होता है उन्होंने वो किया। तो जब मैं अपनी पास्ट लाइफ में गया और जो मैंने देखा, तो उसके बाद मेरी पूरी जो स्ट्रगल था मेरी लाइफ का, यानी कि जो मैं मेरा कन्फ्लिक्ट चल रहा था अंदर,
मैं क्यों बना, वो सब शांत हो गया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या देखा। वो कहने लगे, जब मैं रिग्रेशन में जा रहा था तो मैंने ये देखा कि मैं किसी राजा के महल में एक सिपाही हूँ और मेरी उम्र तकरीबन 16 साल की है, और ये घटना मतलब जो उनको दिखाई दी वो 1700 कुछ की है, 1700 सन था उस समय जिस समय वो राजा के महल में एक सिपाही हैं और उनको अच्छी तनख्वाह मिलती है, और उनको ये भी दिखाई दिया कि उनकी शादी हो गई है, उनके दो लड़के और एक लड़की है, उनकी पत्नी है और अच्छा भरा पूरा घर है और समाज में अच्छी उनकी रेपुटेशन है। लेकिन क्या हुआ, एक व्यवस्थित जीवन था, सब कुछ था, लेकिन लालच बढ़ता जा रहा था। वो सोचने लगे कि सिपाही की ज़िंदगी के अलावा जो मेरी तनख्वाह मिल रही है मुझे, वो काफ़ी मेरे हिसाब से कम है, तो मुझे कुछ साइड में कुछ कमाना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ लुटेरों की टोलियां हुआ करती थी, उनको उनके साथ शामिल हो गए, क्योंकि राजा के यहाँ रिश्वत लेना या चोरी करते तो पकड़े जाते, या राजा हाथ पैर कटवा देता है, फांसी देता, क्या करता। तो इन्होंने क्या किया कि जंगल के रास्ते जो यात्री आया करते थे उनके उनको जो लूटते थे कुछ लोग, उनकी टोली को इन्होंने उसमें शामिल हो गए और लूटना शुरू कर दिया। पहले तो कुछ सालों तक ये लूटते रहे, पैसा घर पे भेजते रहे, सोना चांदी लूटा, लोगों को भगा दिया। लेकिन फिर क्या था कि ये भी डर था कि कहीं ये भेद ना खुल जाए कि इस रास्ते पे लुटेरे बहुत ज़्यादा लूटमार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इन लोगों का प्लान बदल गया। घर में सब कुछ पैसा रुपया बहुत आ रहा था, सोना चांदी आ रहा था, घर पे लूट का सामान आ रहा था, घर पे उसे बेच भी रहे थे। धीरे धीरे घर बहुत बड़ा हो गया, संपन्नता आ गई, नाती पोते भी होने वाले हो गए, क्योंकि पहले शादियां जल्दी होती थी, बच्चों की भी शादियां हो गई आगे। फिर इनकी हिम्मत थी वो बढ़ती चली गई, क्रूरता बढ़ती चली गई, और इन्होंने क्या किया कि जो लोगों को ये लूटने लगे उनके बच्चों को ये गुलाम बना करके बेच देते थे, और जो लोग बड़ी उम्र के थे उनको उनके प्राइवेट पार्ट्स में ये लोग उनको भंग करते थे, यानी कि कोई रॉड डाल के या कुछ इस तरह से उनके गुप्तांगों को ख़राब करके कुछ को मार देते थे, कुछ को ऐसे छोड़ देते थे मरने के लिए, और बच्चों को बाज़ार में बेच दिया जाता था गुलाम बना के। तो ये सिलसिला इनका बहुत साल तक चलता रहा। तो ये इन्होंने अपने रिग्रेशन में देखा कि इन्होंने पिछले जन्म में क्या किया। राजा के यहाँ नौकरी की, सिपाही बने, वेतन से संतुष्ट नहीं थे तो लूटमार शुरू की, फिर लूटमार का पैसा भी कम लगने लगा, अपने पकड़े जाने का भी भय लगने लगा, तो इन्होंने यात्रियों को मारना शुरू कर दिया। काफिलों को लूटते थे, बच्चों को बाजार में बेच देते थे गुलामों के, और बाकी धन संपत्ति लेकर अंग भंग करके उनके गुप्तांगों को नष्ट भ्रष्ट करके कुछ को मार के कुछ मरने के लिए छोड़ देते थे। तो जब इनका ये सेशन पूरा हुआ तो ये उस सेशन के दौरान भी कह रहे मैं बहुत रोता जा रहा था। तो समझ में आया कि इस जन्म में ये परेशानी और ये दुख ये कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा है, क्योंकि गुप्तांगों को भंग किया था तो परमात्मा ने उनके गुप्तांगों को भी उसी ढंग से इनको अगले जन्म के लिए पेश कर दिया। और चूंकि बच्चों को मार देते थे, काट देते थे, गुलामों की बच्चों को गुलामों गुलाम बना के बाजार में बेच दिया करते थे, तो इस जन्म में ये आगे बच्चे भी नहीं पैदा कर सकते, इनके कोई बच्चे ही नहीं हो सकते, और फिर ये भी बाकी जो किन्नर बच्चे पैदा होंगे उन्हीं को पालेंगे और इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो इनको समझ में आया किस तरह से प्रकृति कार्य करती है, कर्मों का क्या सिद्धांत है, हर एक्शन का रिएक्शन कैसे मिलता है, क्योंकि पिछले जन्म में बच्चों को माँ बाप से अलग किया, उनको बेच दिया, बाजार में गुलाम बनाया, तो इस जन्म में माता पिता से अलग होके गुलामों की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों के गुप्तांगों को काट के अंग भंग करके उनको छोड़ दिया था, तो इस जन्म में भी पूरा शरीर नहीं मिला, कंप्लीट गुप्तांग नहीं मिले, किन्नर का जीवन मिल गया, कर्मों के
हिसाब से ही अपने ही कर्मों का प्रतिफल के रूप में आज ये जीवन भोगना पड़ रहा है। उम्मीद करती हूँ इन दोनों कहानियों से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके कमेंट का मुझे रहता है हमेशा ही इंतज़ार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।